एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है, उसमें से एक जो किडनैपर था ये उस लड़की को जानता था। दूसरा किडनैपर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, उस वजह से इस मूवी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको किडनैपिंग स्टेला ये 2019 की एक थ्रिलर जर्मन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलग अलग सिचुएशन आपको हमेशा आपकी सीट के एज पर रखेंगे, तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को शॉपिंग करता देखते हैं, पर ये शॉपिंग बहुत ही अजीब तरीके से थी। इसमें ड्रिलिंग के सामान थे, एक रूम को साउंड प्रूफ करने के लिए बहुत सारा सामान इन्होंने बाय किया। घर में आने के बाद इन्होंने एक रूम को साउंड प्रूफ क्रिएट कर दिया, उसमें एक बेड भी लगा दिया। जंगल में एक लोकेशन के पास जाकर उसे वो मार्क कर आते हैं। उनके पास एक फैन थी जिससे भी वो फिर से साउंड प्रूफ बनाते हैं। इनके बैग में हम देख सकते हैं कि रस्सी पट्टी इस तरीके की चीजें थी। ये दोनों फिर रेडी हुए अपने वैन में, एक जगह पर वो नजर रखते हैं। इन्होंने अपने मास्क वगैरह पहने और एक लड़की जब यहाँ से जा रही थी तो उसे वो किडनैप कर लेते हैं, गाड़ी में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। लास्ट सीन्स में हमने इनका जो प्लेस देखा था, जिस रूम को इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया, बेड लगाया, इस रूम में उन्होंने इस लड़की को डाल दिया। हैंडकफ्स वगैरह लगाकर इसे वो पूरी तरीके से बांध देते हैं। उन्होंने उसके थोड़े से कपड़े निकाले और उसके फोटो ले ली, जबरदस्ती उसे दूसरे कपड़े पहना देते हैं। उस बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया पर वो कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद रूम में बंद कर वहां से चले गए। एक किडनैपर थोड़ी देर में फिर से उस लड़की के पास आया। वो कहता है, तुम्हारे फादर का नंबर और ईमेल मुझे दो, तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, अगर उन्होंने दे दिए तुम बहुत ही सही सलामत रहोगी, थोड़े टाइम में फिर से अपने घर पहुंच जाओगी। ये ईमेल एड्रेस नंबर लेने के बाद ये दोनों फिर से बाहर आए। इन दो किडनैपर्स में से जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उसका नाम था टॉम, और जिसे बहुत सारा एक्सपीरियंस था, वो प्रिजन बहुत बार जाकर आया था, इसका नाम था विक। विक टॉम से पूछता है, क्या तुम डर रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने फिर स्टेला का मोबाइल लेकर उसे बंद कर दिया। स्टेला के फादर को ईमेल भेजते हैं जिसमें $2 मिलियन उन्होंने मांगे हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉम स्टेला के पास आया था, उसने उसे देखा और फिर से वो वापस चला गया। इसके बाद एक दो दिन बीत चुके थे, स्टेला के फादर का अब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। विक टॉम से कहता है कि हमें उसे पानी वगैरह देना पड़ेगा। विक उसे कहता है, अब हमें तुम्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, इस वजह से तुम्हारे माउथ से मैं क्लॉथ निकालने वाला हूँ, अगर तुम चिल्लाए तो तुम्हें बेहोश कर किसी अलग तरीके से हम जिंदा रखेंगे, वैसे भी तुम्हारी चीख किसी को भी सुनाई नहीं देगी, ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है। स्टेला ने इसके लिए नॉड किया। जब उसके माउथ से पट्टी निकाली जाती है तो जोर से वो चिल्लाने लग गई थी, फिर से उसका मुंह वो बंद कर देता है। विक ने उसे समझाया कि हम दो ही लोग हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, इसलिए चिल्लाओ मत। फिर उसे पानी वगैरह पिलाता है, कहता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट की जरूरत होगी तो एक नंबर दो नंबर इस तरीके से हाथ से हमें बोल देना। सिला को टॉयलेट करना था तो अपने फिंगर से उसे वो बता देती है। यही पर बेड पर उसे करना पड़ता है, बेचारी बहुत रो रही थी। ये सारी चीजें करने के बाद टॉम को हम जरा डिस्टर्ब देखते हैं। ये बात विक ने जान ली थी, पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। टॉम ने कहा कि मेरा मूड नहीं है। विक कहता है, तुम्हें सही तरीके से अपना ख्याल रखना पड़ेगा वरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉम फिर भी खा नहीं रहा था तो जबरदस्ती उसके मुंह में वो खाना भरता है। विक ने उसे कहा कि हमने सब कुछ प्लानिंग की है, सारी चीजें परफेक्ट हो रही है, पर फिर भी तुम अपने आप पर डाउट कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि अनसक्सेसफुल हो जाएगा, इसी वजह से तुम खाना नहीं खा रहे थे, मेरे साथ बोलो कि हम इसे कर रहेंगे। टॉम भी यही चीज रिपीट करता है। विक के रूम से बाहर जाने के बाद स्टेला की फोटो देखकर वो सैड हो रहा था, उसकी तकलीफ उसे देखी नहीं जा रही थी। वो स्टेला से मिलने के लिए गया, वो उसे कहती है कि उसे पूप करना है, तो इस वजह से उसके हैंडकप अब उसे निकालने पड़ेंगे। वो निकालता है, उस पर गन निकालता है, यानी कि वो कुछ कर ना पाए। स्टेला कहती है कि प्लीज उस तरफ देखो, वो इस तरीके से ये सब नहीं कर सकती है। उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो टॉम अलग डायरेक्शन में देख लेता है। स्टेला ने बकेट लेकर जोर से उसे मारा, इससे उसकी गन नीचे गिर गई थी। स्टेला ने जल्दी से इसे उठा लिया, वो कहती है कि मुझे जल्दी से तुम्हारी कीज दो। टॉम उसके पास आ रहा था, उससे गन छीनने की कोशिश करता है पर स्टेला ने गन को शूट कर दिया। यही पर उसका मास्क भी वो निकाल लेती है। वो एक्चुअल में टॉम को जानती थी, वो उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गई। उसे पूछती है कि तुमने ये सब किया क्यों। टॉम कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम यहां से नहीं जा सकती, तुम्हारी गन मुझे दे दो। स्टेला कहती कि प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, पर इससे पहले टॉम ने स्टेला से उसकी गन ले ली। जल्दी से उसे फिर से वो बांध देता है। टॉम ने कहा कि ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उसने वार्न किया कि अगर विक को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों को मार डालेगा। थोड़ी देर में विक फिर से वापस आया। अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे, इस वजह से अब विक के पास एक अलग प्लान था। वो टॉम से कहता है, कल का दिन जरा एग्जॉस्टिंग होगा, इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा।
अगले दिन वो स्टेला के रूम में जाकर कैमरा वगैरह लगा कर आते हैं। वीक ने स्टेला से कहा कि अब हम तुम्हें सेडेटिव देंगे, इससे प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा। उनका प्लान था कि वीडियो में लाइव स्टेला का फिंगर कट कर ये वीडियो उसके फादर को भेजेंगे, जिससे वो डर कर इन्हें सारे पैसे दे देंगे। स्टेला जब ये रियलाइज करती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके माउथ से पट्टी निकालने के बाद स्टेला ने कहा कि फादर मुझे पता है कि हम दोनों बहुत झगड़ते थे, पर प्लीज मुझे बचा लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनने के बाद टॉम वीक से कहता है कि वीडियो बहुत ही अच्छी बन गई है, अब उसका फिंगर कट करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। टॉम ने स्टेला को बार बार बचा लिया। अगले दिन स्टेला को फीड करने के लिए दोनों फिर से वहां आए। वीक उसे फीड कर रहा था तो स्टेला कहती है कि मुझे उस दूसरे से खाना खाना है। वीक उसकी बात मानता नहीं है। स्टेला ने नीचे देखा तो कल उसने टॉम को शूट किया था तो उसके बुलेट का कवर नीचे पड़ा हुआ था। अगर वीक को इसके बारे में पता चलता है तो ये दोनों ट्रबल में थे। टॉम इसके पास जाकर इसे उठाने की कोशिश करता है, पर वीक कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, उसे पास आने नहीं दे रहा था। स्टेला का खाना हो जाने के बाद बुलेट कवर के पास स्पून पड़ा हुआ था, इसे उठाने के बहाने टॉम इस बुलेट कवर को उठा लेता है। बाहर आने के बाद वीक ने टॉम से पूछा कि तुम नर्वस लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ है। टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉम फिर जल्दी से टॉयलेट गया, बुलेट कवर को फ्लश करने की ट्राई करता है पर ये फ्लश हो नहीं रहा था, उसे बहुत टाइम लग रहा था। तो वीक पूछता है कि हुआ क्या है। वीक के प्रेशर में इस बुलेट कवर को निगल लेता है। वीक के यहाँ से चले जाने के बाद टॉम स्टेला के पास है, पूछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला कहती कि मैं एक्चुअल में प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी तुम्हारा है। वो उसकी बात मान नहीं रहा था तो स्टेला ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरे पेट को फील करो। ये फील करके टॉम ने उसे पूछा कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। स्टेला कहती कि कभी भी तुम डिपेंडेबल नहीं थे, जब भी तुम्हारी जरूरत हो तो तुम भाग जाते थे। तुम्हारे जेल में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लगा कि इस बेबी को तुम्हारे साये से दूर रखना ही सही बात होगी। स्टेला पूछती कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया था। टॉम कहता है कि मैं और मेरा पार्टनर जेल में मिले थे, हमने वहीं पर किडनैपिंग की प्लानिंग की थी और मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, तुम जेल में मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई, बिना कुछ बताए मेरे लाइफ से चली गई, अब मुझसे तुम झूठ भी कह रही हो। स्टेला कहती कि मेरे मोबाइल में देखो, उसमें रिपोर्ट है। टॉम जाकर स्टेला का मोबाइल ऑन करने वाला था पर उसने रियलाइज किया कि अगर स्टेला का मोबाइल ऑन होता है तो पुलिस को इसकी लोकेशन पता चल जाएगी, तो उसने ऑफ कर दिया। अचानक से स्टेला को उल्टी आने लग गई थी, उसके पास आया, उसके हाथ वगैरह निकाल दिया। ये उल्टी वगैरह करती है और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाला था पर स्टेला ने बहुत चालाकी से उसके हैंड को कफ कर दिया। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर पूरा प्लेस लॉक्ड था, इसकी चाबी उसके पास नहीं थी। उसने अपना मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया, पुलिस को उसे ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन की जरूरत थी पर स्टेला को इसके बारे में पता नहीं था। वो रियलाइज करती है कि कीज शायद टॉम के पास है, टॉम से कीज नीचे गिर गई थी, वो इसे पाने की कोशिश कर रहा था। स्टेला ने देखा और फोन कट कर उसके पास पहुंच रही थी। टॉम अपनी हथकड़ियों से निकलने की बहुत कोशिश करता है, ये निकल भी रही थी। स्टेला जब कीज लेने के लिए उसके पास आई तो जल्दी से हैंडकप से निकल कर उसके मुंह पर वो जोर से मारता है, इसे वो बेहोश हो गई थी, उसे फिर से उसने बांध दिया। स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है। आज जब वीक घर पर आया तो कहता है कि स्टेला के फादर अब पैसे देने वाले हैं, अब हमें सिर्फ एक काम है, कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे। ये दोनों आज बहुत ही खुश थे, पैसे लेकर क्या करेंगे इसकी प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। अगले दिन वीक ने टॉम से कहा कि जाकर गाड़ी को तुम रेडी करो। वो स्टेला को लेने के लिए आया, उसके हैंडकफ्स वगैरह निकाले तभी वो स्टेला के पास मोबाइल नोटिस करता है, ये अब ऑन था। उसने हिस्ट्री देखी तो पुलिस को कॉल किया क्या है, ये सारी चीजें वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि स्टेला के पास मोबाइल आया कैसे, वो यहाँ से निकली कैसे थी। स्टेला के पास मोबाइल एक ही केस में आ सकता है जब टॉम ने उसे दिया, पर वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि टॉम ने ऐसा किया क्यों होगा। वीक ने स्टेला को बहुत मारा, जो भी हुआ था ये सब कुछ सच सच स्टेला उसे बता देती है। इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए स्टेला ने टॉम पर जो गोली चलाई थी ये वॉल्स में वीक को मिल जाती है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि टॉम जब गाड़ी को रेडी कर रहा था तो स्टेला के सामने उसके प्रेगनेंसी की टेस्ट उसे मिली। इस रिपोर्ट से वो कंफर्म हो गया था कि स्टेला एक्चुअल में प्रेग्नेंट है, उसे अब तक सारी चीजें झूठ लग रही थी। ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि अब उसे करना क्या चाहिए। स्टेला को फिर से बांधकर वीक टॉम से पूछता है मुझे एक बात बताओ, तुमने उसे चूज क्यों किया था। टॉम कहता है कि रीच थी और हम दोनों ने मिलकर चूज किया था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसकी इमेज दिखाई थी। विक ने टॉम से कहा हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, हम कोई भी चीज एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं। टॉम भी इसके लिए हाँ कहता है
वीक को पता था कि वो टॉम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये दोनों फिर स्टेला के पास आए, उसे बेहोश कर गाड़ी में रखकर एक लोकेशन पर लेकर आते हैं। नदी के पास एक घर में उन्होंने इसे बंद कर दिया था। इनका प्रीवियसली प्लान था कि जब स्टेला को होश आएगा तो उसके पास चाबी होगी, वो अपने आप को खोल कर यहाँ से चली जाएगी। पर अब वीक ने प्लान चेंज कर दिया था। वो कहता है अब हमारे पास चाबी होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो। टॉम जरा वरीड हो जाता है पर वीक को शक ना जा पाए, इस वजह से उसे उसके साथ जाना पड़ा। ये जब अपने तय किए हुए लोकेशन पर आए तो वहां पर कोई भी नहीं था, आसपास कहीं भी पैसे दिख नहीं रहे थे। टॉम ने कहा कि शायद हमें फ्रेम किया जा रहा है, पर वीक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी, मुझे तुम्हारे और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है, मैंने तुम्हें पहले ही जांच दिया था, तुम अगर मुझे ऑनेस्टली सब कुछ बता देते तो तुम बच जाते, और स्टेला और इसके बच्चे को मैं मार दूंगा और इसके जिम्मेदार तुम हो। वीक टॉम को शूट करने वाला था पर टॉम ने उस पर हमला कर वहां से वो भाग जाता है। भागते भागते वीक ने दूर से उस पर गोली चलाई, वो हर्ट हो गया था पर फिर भी जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। वीक ने फिर जो अलग लोकेशन सिलेक्ट की थी वहां से पैसे वो लेकर आता है। उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। रात में वो स्टेला को मारने के लिए आया, उसे कहता है मैं तुम्हें एक मेडिसिन दूंगा जिससे तुम्हारी डेथ होगी पर तुम कुछ भी फील नहीं करोगी। उसे देने ही वाला था पर पीछे से आकर टॉम ने उस पर हमला कर दिया। वो जख्मी था पर स्टेला को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। वीक के पास गन थी तो फिर से वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है, टॉम को और एक गोली मारता है। वो टॉम से कहता है कि तुमने सारी चीजें बर्बाद कर दी। उसे फाइनल गोली वो मारने वाला था तभी स्टेला ने उसके पैर पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। वीक की गन टॉम ने उठा ली और उसे शूट कर मार देता है। टॉम इंजोर था इस वजह से बेहोश हो गया। स्टेला की कफ्स की कीज वीक के पास थी, टॉम ने बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली उसे वो दे देता है। स्टेला ने अपने आप को छुड़वा लिया पर टॉम की अब डेथ हो चुकी थी। वो बाहर आई गाड़ी में बैठी तो उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। स्टेला के अपने फादर के साथ बनती नहीं थी, वो किडनैप हुई पर फिर भी फादर उसे पैसे नहीं देने वाले थे। अब वो उनके पास वापस नहीं जा सकती है। ये पैसे लेकर वो एक न्यू स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरीके की मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।